अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि मैंने कल प्रॉमिस किया था कि मैं आज आप लोगों के लिए ईद फेस पैक लेकर आऊंगी, सो आई एम हियर विद माय अमेजिंग फेस पैक जो कि मैं शादी से पहले बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। 100% रिजल्ट्स आते हैं। हाँ, मैंने बीच में बिल्कुल लगाना छोड़ दिया, लेकिन मुझे अपनी स्किन जो है थोड़ी डल लगनी शुरू हो गई, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं दोबारा से ये शुरू करती हूँ, क्योंकि इसके जो है 100% रिजल्ट्स आते हैं। गाइस, आप लोग मेरी रिकमेंडेशन में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। बहुत इजी सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स जो कि हर घर में अवेलेबल होते हैं। उन 3 इंग्रेडिएंट्स से आप देखिएगा विद इन 1 वीक आपको ज़बरदस्त रिजल्ट दिखना, विजिबल रिजल्ट जो है दिखना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग आज से ही स्टार्ट करो, टिल ईद यू गाइज विल सी अ ड्रास्टिक डिफरेंस इन योर फेस। आप इसको फेस पे भी यूज कर सकते हो, हैंड्स पे भी यूज कर सकते हो, पाओं पे भी यूज कर सकते हो। बिल्कुल सेफ है, सेफ इंग्रेडिएंट्स है, आप इसको डेली यूज कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर टॉकिंग, लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले इंग्रेडिएंट जो है वो है हमारे पास दही। जी हाँ, दही हर घर में होता है आजकल, क्योंकि गर्मियां हैं, लस्सी बनती है, रमज़ान है, दही बड़े बनते हैं, तो दही तो लाजमी होता है हर घर में। तो आप लोगों ने लेना है। मैं यहाँ पे सिर्फ अपने फेस के लिए फ़िलहाल बना रही हूँ, तो उसके हिसाब से क्वांटिटी बता रही हूँ। अगर आप लोगों ने अपने पाओं पे और हाथों पे भी लगाना है तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है क्वांटिटी को डबल कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फेस के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि नहीं, मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबल स्पून दही, ठीक है। फेस के लिए 1 टेबल स्पून जो है मोर देन इनफ हो जाता है। इसमें मैंने डाले हैं 3 to 4 drops ऑफ लेमन जूस, ठीक है। 3 to 4 drops आपने लेमन के डालने हैं। थर्ड और जो लास्ट इंग्रेडिएंट है हमारा वो है ड्राई मिल्क। ये देखिए जी, यहाँ पे मेरे पास है ड्राई मिल्क, ठीक है। आप कोई सा भी ड्राई मिल्क यूज़ कर सकते हो, लेकिन यूज़ आपने ड्राई मिल्क ही करना है, ठीक है। फ्रेश मिल्क यूज़ नहीं करना, कंसिस्टेंसी उसकी बहुत ज़्यादा थिन एक तो आती है और रिजल्ट आपको वैसा नहीं मिलता। आप ड्राई मिल्क में कोई सा भी यूज़ कर लो, एवरीडे नीडो कोई सा भी, बस शर्त ये है कि ड्राई मिल्क होना चाहिए। अगर आप 1 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट ले रहे हो तो उसमें आप 1 टीस्पून ऑफ ड्राई मिल्क डालोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1 टीस्पून, ये देखो मेरा छोटा वाला टीस्पून है, मैं जो हूँ इसलिए अब मैं 1 टीस्पून जो है दही के अंदर ये डाल देती हूँ, ठीक है। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं डालना आपने, सिर्फ योगर्ट, लेमन ड्रॉप्स और ड्राई मिल्क। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, इतना अच्छी तरह मिक्स कर लेना है कि जो ड्राई मिल्क और लेमन ड्रॉप्स हैं वो इजीली सारे तीनों इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। कंसिस्टेंसी की फिक्र नहीं करें, अगर लगता है कि दही पे डिपेंड करता है, अगर आपका दही बहुत ज़्यादा लिक्विडी है तो आप उसमें ड्राई मिल्क और ऐड कर दो, कंसिस्टेंसी आप थोड़ी थिक कर लो, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। ये मास्क ऑल स्किन टाइप्स वाले यूज कर सकते हैं, ऑल स्किन टाइप्स वाले, वेदर ड्राई ऑयली कॉम्बिनेशन, एक्नी प्रॉन। अगर आपकी एक्नी प्रॉन स्किन है तो आप एक काम और करना कि इसमें 2 to 3 drops ऑफ टी ट्री ऑयल डाल दोगे आप, तो और भी ज़बरदस्त रिजल्ट हो जाएगा। एक्नी जो है आपकी वो बैठ जाएगी, उसके स्कार जो है उसके जो मार्क्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाएंगे। बस आप लोगों ने ये इस तरह की मेरी कंसिस्टेंसी आई है, ठीक है। ये इतनी कंसिस्टेंसी होती है कि आपके ईजिली फेस पे टिक जाती है। फेस अच्छे से क्लीन करना है, आपने धो लेना है। मैं वॉश करके आई हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं लगा हुआ मेरे फेस पे इस वक्त, और मैं इसको यूं लगा लूंगी। सो जी, अच्छे से मैंने अपनी पूरी स्किन पे लगा लिया है। अब हम इसको जो है ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ये ड्राई हो जाएगा आपने अपना फेस जो है वो वॉश कर लेना है और अपनी रेगुलर जो स्किन केयर रूटीन है उसको फॉलो करनी है। लेकिन ये फेस पैक आपने डेली यूज़ करना है, जब रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाए, बेशक फिर आप ऑल्टरनेट डेज पे कर लो, लेकिन शुरू के फर्स्ट 15 to 20 days आपने इसको डेली यूज़ करना है, क्योंकि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सारे इन्ग्रीडियंट्स नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स, ऑर्गेनिक इन्ग्रीडियंट्स हैं, तो कोई मसला नहीं है, यू कैन यूज़ इट।
मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगी कि आप हाथ पाँव पे भी इसको लगा के देखना, इतने ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स आते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि इससे डार्क सर्कल्स भी कम होते हैं। मैं रिग्रेट कर रही हूँ कि इतने साल मैंने क्यों इसको छोड़ा, अगर मैं रेगुलर करती तो बहुत अच्छी स्किन हो जाती, लेकिन आज से मैंने इसको दोबारा से इंशाल्लाह स्टार्ट किया है। अगर आपका बच जाता है तो आप इसको नेक्स्ट डे आप इसको फ्रिज में रख दो और नेक्स्ट डे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आप इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि दही जो है ख़राब हो जाता है। सो मैक्सिमम आपको इसको फ्रिज में रखने के विद इन वन डे ही यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं इसको ड्राई होने के लिए छोड़ती हूँ, जब ड्राई हो जाएगा फिर वॉश करके फिर मैं आती हूँ। सो मुझे अभी मास्क लगाए हुए ऑलमोस्ट 8 to 9 मिनट्स हो गए और आप देख सकते हो यहाँ से सारा ड्राई हो गया है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा रहता है, जैसे ही ये सब ड्राई हो जाएगा आपने जो है अपना फेस वॉश कर लेना है एंड रेगुलर अपनी नाइट केयर रूटीन जो है वो स्टार्ट करनी। तो मैंने अपनी स्किन वॉश कर ली है, आप लोग देख सकते हो मैंने अभी स्किन पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, मॉइस्चराइजर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, मैंने जस्ट वॉश किया है। एंड यू गाइस कैन सी विद रेगुलर यूज ऑफ दिस फेस मास्क आपके जितने भी एक्नी स्कार्स हैं, पिंपल्स हैं, वो फेड आउट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मुझे ज़्यादा कंसर्न जो है अपनी चिन का था, तो इसीलिए मैंने दोबारा से फेस पैक शुरू किया है। एंड आई एम रिग्रेटिंग कि मैंने इतने साल क्यों छोड़ दिया, इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट होते हैं, ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। कोई इतने मुश्किल इंग्रेडिएंट्स नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको अगर आपको लगता है कि पता नहीं काम करे ना करे, तो देखिए अगर ये आपको फायदा नहीं देगी तो इंशाल्लाह नुकसान भी नहीं देगी। सो डू गिव इट अ ट्राई एटलीस्ट फॉर 1 week to 10 days, तो यू गाइज विल सी अ विजिबल रिजल्ट इंशाल्लाह। एंड मेरी स्किन जो है अभी वो बेबी बेबी सॉफ्ट हो रही है, ऑब्वियसली फील तो नहीं करवा सकते वीडियो में, लेकिन इट लुक्स सुपर अमेजिंग। सो होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। कल मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।